सूरज सिंह, मैंने बताई आप आज यहाँ पे आपकी पासिंग आवर परेड थी, कैसा लग रहा है आज आपको और क्या करना चाहते हो आप देश के लिए? सर हमें सबसे पहले हमें बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि सर 9 महीने के 11 महीने की कड़ी मेहनत के बाद सर हमें ये मौका सर राइफलमैन बने सर, आज जो हमारी कसम परेड हुई इसमें सर हम रिक्रूट से राइफलमैन बने और सर आगे जाके अपने देश के लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं। जो आज तक हमारे जो पुराने हैं बुजुर्ग थे उन्होंने बहुत अच्छा किया, इसी तरह हम भी अपने देश का नाम ऊँचा करना चाहते हैं और अपने तिरंगे को ऊँचा रखना चाहते हैं। जकले में शामिल होने के बाद बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। ये भारतीय सेना की जो है आज़ादी के बाद जजमेंट खड़ी है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। रिक्रूट का सपना होता है कि वो शपथ परेड करके अपनी यूनिट में जाए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आज मैं शुरू करना चाहता हूँ ये बताते हुए कि आज का जो जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर का जो परेड था ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से कंडक्ट किया है और इसके लिए बधाई है कि हमारा जो कमांडेंट साहब हैं, उनके ऑफिसर्स हैं, इनके जितने भी ड्रिल उस्ताद हैं और ख़ास तौर पर आज का 122 रिक्रूट ट्रेनिंग जो कैडर था उसके लिए। मुझे पता है कि ऐसा ड्रिल कंडक्ट करने में कितना मुश्किल आता है, बहुत कोऑर्डिनेशन अच्छा था, उन सब के लिए बधाई। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का दिन में जम्मू एंड कश्मीर के हालात के बारे में कुछ शब्द बताना चाहता हूँ। एलसी के ऊपर फ़िलहाल हालात काफ़ी कंट्रोल में हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि सीज़फायर वायलेशंस थोड़ी बहुत हो रहे हैं जो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करने में उसको मदद मिलता है, बट उस इलाके में भी कुछ ही दिनों में कुछ कंट्रोल में आया है। और इस साल हम इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी हद तक रोक पाए हैं। जैसे पिछले साल तकरीबन 130 आदमी इन्फिल्ट्रेशन हुए थे, इस साल ये फिगर 30 से कम है, इतना बदलावट आया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी बदौलत अंदरूनी हालात में भी काफ़ी सुधर आएगा। हाल ही में आज सुबह किरण सेक्टर के अंदर नदी के पार, किशनगंगा के पार, आज ट्यूब के माध्यम से 4 AK-74 और काफ़ी तादाद का अम्यूनिशन आज पाकिस्तान ने हमारे इलाके में घुसने की कोशिश किया है और हमारे जवान जो सतर्क थे हमारे सर्वेलेंस डिवाइसेस की मदौलत उस कैशे को आज हम पकड़ पाए हैं। ये इस मोटे तौर पे दर्शाता है कि पाकिस्तान के इरादों में कोई बदलावट नहीं आया है और आगे भी हम उनकी जो भी गलत इरादे हैं उसका इलाज हम करेंगे। हिंटरलैंड ऑपरेशंस आप सब देख रहे हैं कि लगातार हम टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। आज सुबह भी वनारार बिजबेरा के इलाके के अंदर एक फॉरेन टेररिस्ट और एक लोकल टेररिस्ट को आज हमने न्यूट्रलाइज किया है और ये देखने में आया है कि जहां भी हम खास तौर पर फॉरेन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं उस इलाके में एक अलग शांति आता है। पुलवामा शोपिया में ख़ास तौर पर पिछली 2-3 महीने में जो ऑपरेशन हुआ है उसकी वजह उस इलाके में काफ़ी हद तक शांति आया हुआ है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि रिक्रूटमेंट में पिछली 6-1 महीने में कम हुआ था, बट पिछली 1 महीने के अंदर थोड़ी बहुत बढ़त हुआ है। बट उसके साथ साथ जो मुझे उम्मीद नज़र आता है कि कई टेररिस्ट जो उस पार गए थे वो सरेंडर को शामिल हो रहा है, सरेंडर कर रहे हैं। उसके बारे में हम ज़्यादा आवाज़ नहीं करते हैं,
बट ये एक अच्छी इंडिकेटर है मेरे लिए। बाकी कोविड की समस्या फिलहाल अभी भी है, उस दिशा में जो भी आर्मी आवाम के साथ मिलके जो कंट्रोल करने में हो सकता है वो कार्रवाई हम कर रहे हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। और दूसरी बात ये देखने में आ रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी धीरे से पकड़ में आ रहा है, इस साल का एप्पल ट्रेड भी चालू हो गया है, पैडी कल्टिवेशन और हार्वेस्टिंग भी हो गया है, और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे से कश्मीर की आवाम अपना रास्ता पकड़ेंगे और खुशहाली की दिशा में आगे जाएंगे। वी कैन टेक द क्वेश्चंस। हमारा इंट एजेंसीज के अनुसार तकरीबन 250 से 300 तक टेररिस्ट लॉन्च पैड में है पाकिस्तान की तरफ, बट उनका लगातार कोशिश की बावजूद हम उनको रोक पाए हैं अभी तक। सर, साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें तो रिक्रूटमेंट अभी हो रही है और खासकर OGWs का यूज किया जा रहा है। ये सवाल मैंने मोटे तौर पे उत्तर दिया है कि साउथ कश्मीर में प्रॉब्लम नॉर्थ कश्मीर से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट मेरे हिसाब से काफ़ी काबू में है। पिछली 15 दिन में रिक्रूटमेंट में कमी हो गया है, एक महीने पहले उससे थोड़ा सा बढ़ गया था, और मुझे उम्मीद है कि इधर की जो नौजवान हैं उनको जो रास्ता सही है वो नज़र आएगा, और हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो सिलसिला है वो उसमें कटौती आएगा। मेरे हिसाब से हार्वेस्टिंग से ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है, हार्वेस्टिंग हो, पैडी कल्टिवेशन है या ऑर्चर्ड के अंदर जो वेजिटेशन है उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, 19-20 का फ़र्क है, और मेरे हिसाब से इसका ऑपरेशनल इम्प्लिकेशन नहीं है। हाँ, ये मैंने मीडिया में देखा है कि पाकिस्तान चाइना को मदद कर रहा है या चाइना पाकिस्तान को मदद कर रहा है, ऐसा इंडिकेटर हमको नहीं है, बट आप सबको जानकारी है कि सीपेक पाकिस्तान में चल रहा है और सीपेक की बदौलत चाइना का प्रेजेंस जरूर है पाकिस्तान में, बट मिलिट्री कोऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट इज़ देयर, बट जो टैक्टिकल हालात में ऐसा मदद में हमको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वी हैव बीन वर्किंग ऑन अ पॉलिसी फॉर सरेंडर एंड वी हैव सेंट आर रिकमेंडेशंस ऑफ द चैनल, बट फिलहाल ये पॉलिसी फॉर्मलाइज होके नहीं आया है, बट इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी पॉलिसी हमारा एक सिस्टम है जहाँ अगर कोई वापस आता है तो उसको देखभाल करने का हमारे पास तरीका है और उसको हम अपना रहे हैं। ऑन द शोपिया वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड बेसिक इन्फॉर्मेशन कि इनिशियल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ख़त्म हो गया है और उसके अंदर हमको कुछ गलत नज़र आया है, उसका बेसिस पे हमने समरी ऑफ एविडेंस ऑर्डर किया है जो अभी आधा रास्ता पकड़ चुका है, हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द खत्म हो जाए ताकि अगला स्टेज में हम जा सकते हैं। पंचायत इलेक्शन अनाउंस हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पंचायत का जो सिलसिला है, जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो पंचायत से चालू होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि हर इलाके से आवाम आगे आए और पंचायत इलेक्शन में हिस्सा लें ताकि उस इलाके की डेवलपमेंट हो और उसको सही सलामत कंडक्ट करने में जो भी हमारी योगदान की ज़रूरत है हम उस पर अमल करेंगे। ये जो आप सवाल पूछा है कि द डिज़ायर फॉर पाकिस्तान टू पुश वेपन्स इज़ वेरी मच अलाइव, ये आज सुबह की बात कर रहा हूँ मैं, किरण से हुआ है, तंगधार से भी हुआ है, नीचे जम्मू सेक्टर से भी हुआ है और पंजाब इलाके से भी हुआ है। सो ये जो हथियार इधर अंदर घुसाने का मेन मकसद है कि कश्मीर की आवाम हमेशा उलझे रहे, इधर दहशत गति रहे, और हमारा हमेशा इरादा है कि इस जो हथियार की जो सिलसिला है उसको रोक के रखें ताकि कम से कम हथियार हो और कम से कम नुकसान हो इधर आवाम को, और इसमें हमको ज़रूर आवाम की मदद चाहिए ताकि इस दहशतगर्दी की जो सिलसिला है उसको रोक पाए। सर,
After today morning, you also recovered an M14 Carbon rifle. We have been seeing pictures of new weapons in Kashmir, which we haven't seen earlier. Do you think, what is the reason behind sending this kind of weapon in Kashmir? ये सवाल M4 हो M16 हो ये AK हथियार जैसे ही है ना, ये मतलब पाकिस्तान की तरफ शायद ये हथियार थोड़ी ज़्यादा हो गए होंगे और उसको इधर भेजना चाहते हैं, और देखने में भी थोड़ी सी टेररिस्ट उसके साथ खड़ा होता है तो थोड़ा थोड़ा मैचोल ऐसे लगता है। बट उसके अलावा हथियार हथियार होता है, एक पिस्टल से भी एक आदमी मर जाता है और AK ऐसे भी आदमी मरता है, सो मेरे हिसाब से इसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। Thanks. That's it. Thank you. Thank you. And thank you for coming for this event.